आपका स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं आज की विशेष खबरों पर। दिल्ली और हरियाणा के बाद अब यूपी में भी 22 मार्च तक स्कूल व कॉलेज बंद। दिल्ली और हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को 22 मार्च तक बंद कर दिया गया है। हालांकि परीक्षाएं जारी रहेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर इसे महामारी घोषित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों, कॉलेजों और सिनेमाघरों को एहतियात तौर पर 31 मार्च तक बंद रखने की गुरुवार को घोषणा की थी। इसके अलावा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट में कहा कि COVID-19 को हरियाणा में महामारी घोषित किया गया है। अब नजर डालते हैं दूसरी खबर पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दोनों वनडे मैचों को किया गया रद्द। देशभर में फैले कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दोनों वनडे मैचों को रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि दूसरा वनडे मैच लखनऊ में 15 मार्च को तो वहीं तीसरा वनडे मैच कोलकाता में 18 मार्च को खेला जाना था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण आईपीएल को भी 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि भारत में फिलहाल 74 लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अब नजर डालते हैं तीसरी खबर पर। औरंगाबाद हवाई अड्डे व मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलने हेतु महाराष्ट्र विधानसभा से मिली मंजूरी। महाराष्ट्र विधानसभा ने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर समाजसेवी नाना शंकर सेठ के नाम पर रखने को भी सदन में मंजूरी मिल गई है। जानकारी दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलने का प्रस्ताव सदन में पेश किया, जो ध्वनिमत से पारित हो गया है। एक्सक्लूसिव समाचार में आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।